नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड में संगीन अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में रामनगर से एक और मामला सामने आया है, जहां बीती 14 जुलाई को पटरानी जंगल हल्का चौकी मालधान क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव के पास ही एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। मोटरसाइकिल के नंबर से व्यक्ति की पहचान नरेश के रूप में हुई। इस संबंध में मृतक के चचेरे भाई की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद घटना में रामनगर के कुंभगडार खत्ता पटरानी निवासी बसंती देवी के इस घटना में शामिल होने की बात सामने आई। इसके साथ ही गोपाल सिंह के भी घटना में शामिल होने के तथ्य सामने आए। जब दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो शुरू में दोनों इनकार करते रहे, पर सख्ती से पूछताछ पर उन्होंने नरेश की हत्या कर उसके शव को कारगिल जंगल में फेंकने की बात स्वीकार की। अपराधियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि बसंती देवी गोपाल सिंह की दूसरी पत्नी है। बसंती देवी ने अपने पहले पति राजेंद्र थापा की मौत के बाद गोपाल सिंह से दूसरी शादी कर ली थी और गोपाल सिंह के साथ कुंभगडार में रहने लगी। नरेश बसंती देवी की बहन जस्सो देवी की लड़की रेखा का पहला पति था। रेखा ने 2 साल पहले नरेश को छोड़कर बाजपुर में किसी से दूसरी शादी कर ली थी। रेखा से अलग होने के बाद भी नरेश कभी कभार ढेला और पटरानी आता रहता था। घटना वाले दिन नरेश कच्ची शराब के 3 पाउच लेकर गोपाल सिंह के घर कुंभगडार आया था। तब गोपाल सिंह घर के पीछे खेत में काम कर रहा था। नरेश के आने के थोड़ी ही देर बाद गोपाल सिंह भी घर पर आया और बसंती देवी, गोपाल सिंह और नरेश कुमार तीनों ने चूल्हे के पास बैठकर एक साथ शराब पी। शराब पीने के बाद गोपाल सिंह वापस खेत में काम करने चला गया। बसंती देवी को अकेला देखकर नरेश ने उसके साथ बदतमीजी की। तब बसंती देवी ने उसे धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर गया। बसंती देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपाल सिंह भी वापस आ गया और फिर गोपाल सिंह और बसंती देवी दोनों ने दुपट्टे से नरेश का गला घोंट दिया। मगर फिर भी उसकी थोड़ी सांस चल रही थी तो गोपाल सिंह ने गुस्से में हाथ से उसका गला दबा दिया और दुपट्टा अपनी झोपड़ी में चारपाई के नीचे बक्से में रख दिया। नरेश के मरने के बाद गोपाल सिंह नरेश की मोटरसाइकिल लेकर आया और घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। फिर दोनों नरेश को अपने आंगन में खींचते हुए मोटरसाइकिल तक लाए और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाया। उसके बाद गोपाल सिंह मोटरसाइकिल पर आगे बैठा और बसंती देवी नरेश को पकड़कर पीछे बैठ गई। गोपाल सिंह नरेश को लेकर मोटरसाइकिल चलाकर वन विभाग की चौकी कुंभगडार होते हुए जंगल के रास्ते से कारगिल की तरफ ले गया और नाले के पार उसे कारगिल जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल से उतार कर उबड़ खाबड़ जगह पर रख दिया। नरेश की मोटरसाइकिल भी उसके पास ही खड़ी कर दी ताकि लोगों को लगे कि ये शराब पीकर लेटा है। नरेश का मोबाइल भी उन्होंने वहां झाड़ियों में फेंक दिया था। उसके बाद दोनों अपने घर कुंभगडार वापस आ गए। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल हुआ दुपट्टा भी उनके घर से बरामद कर लिया है। घटना का सफल खुलासा करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने खुलासा करने वाली टीम को 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।